गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फिलहाल दो दिन हो गए मैं पेपर हुए पर मैं व्लॉग बिल्कुल नहीं बना रहा था। आज जाके व्लॉग सही से स्टार्ट किया है, आज दिन में बनाएंगे व्लॉग। दो दिन से क्या पता क्या हो रहा था। पहले दिन तो हमारे एग्जाम थे प्रैक्टिकल वाले और दूसरे कल बनी, तो इसलिए फटाक से चलते हैं। अब घर पर पूजन कर दिए, वहाँ जाते हैं गोपचंद जी के पास, वहाँ पूजन करते हैं, फिर निकलेंगे, नाश्ता वाला नाश्ता कर लेंगे, फिर दुकान पर चल के करेंगे नाश्ता। तो गाइस यहाँ पे हमारा हलवा बन चुका है, इधर आलू वालू सब काट लिए, ये आके ले कर आ रहा है हलवा लेने के लिए प्लेट्स। फटाफट हलवा खाते हैं, हो चुके हैं, हम निकलते हैं दुकान के लिए फटाक से। फिलहाल गाइस हमको गेहूँ पिसाने पटकने थे तो ये ले लिए इतने वाले सारे गेहूँ, इनको लेके चलते हैं पिसाने पटक देंगे फटाक से। ये लो भाई कट्टी। फिलहाल गाड़ी स्टार्ट कर चुके हैं, फटाक निकलते हैं, जूते डाल लेते हैं, सही से भी चलते हैं फटाक से ना अपनी बाइक बहुत दिनों बाद। आटे नहीं है खाऊंगे, आटा होता फिर तुम्हें देते क्यों। तो गाइस फाइनली अभी घर से निकल चुके हैं, आटा वाटा सब आटा तो रिकी दे दिए, आटा नहीं दिया है। और फिलहाल अभी निकल चुके हैं, आज स्कूल भी जाना है, 8:30 तक पहुंचना है स्कूल। फटाफट चलते हैं दुकान पे, फटाफट पूजन करके निकल लूंगा वहाँ से। तो व्लॉग तो बना नहीं पाऊंगा, मोबाइल यहीं पर रख के जाऊंगा, शायद जो भी होगा देख लेंगे। और वहाँ की ठंडी बहुत लग रही है यार, मैं आज जैकेट पैकेट के आने को भूल गया हूँ। और हमारा एग्जाम पूरे कम्प्लीट हो चुके हैं, अच्छे गए हैं वैसे। अब मई में रिजल्ट आएगा तो जब देखेंगे मई में, जब तक तो 2 महीने और व्लॉग डालेंगे अपन। फिलहाल चलते हैं, आज कुछ बात नहीं करना आपसे, खाली सिनेमेटिक शॉर्ट्स एंजॉय कीजिए आप। तो गाइस फिलहाल जो है अभी दुकान में पहुंच चुके हैं और पूजा की तैयारी में कर रहा हूं अभी। आज फुल मूल कहीं से कुछ भी नहीं आया है और पापा जी गए अभी नहाने, वो आ जाएंगे फिर अपन सफाई चालू करेंगे आज एक साइड की। मैंने कुछ तो कर दी थी कल, तो लोग नहीं बना पाया, बहुत लेट से स्टार्ट की थी इसलिए। फिलहाल फटाफट पूजन करते हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे, थोड़ा बहुत घर पर करें, पूरा पेट फुल हो जाएगा, उसका काम करेंगे अपना स्टार्ट सफाई वाला। और फिलहाल पढ़ाई वाले काम तो बचा नहीं, पर भी हम पढ़ना शुरू करेंगे आज थोड़ा बहुत। बाकी YouTube देखते रहते हैं, दिन भर ऐसे ही वैसे टाइम पास चलता रहता है। आज बनाएंगे दो चुकी खुद दे चलते हैं, धूप सेकते हैं, ठंडी लग रही है, आज जैकेट पहन के भी नहीं आया मैं। यहाँ पर पड़ा है हमारा लालू भाई, और लालू क्या कर रहा है, और देखो इधर भी पड़ी है उनकी भूरी उसकी पत्नी। तो फिलहाल गाइस सारा काम कम्प्लीट हो चुका है, हाथ मास सीखे बैठ चुके हैं, पापा जी ने पूजन भी कर दी है, सब टोटल काम कम्प्लीट हो गया। पापा जी आ चुके मंदिर से, फटाफट हम करेंगे सफाई जो साइड वाले वहाँ पे। नाश्ता तो मैंने किया नहीं, मैंने किया नाश्ता क्या करें, अभी खाना आएगा थोड़ी देर बाद खाना खा लेंगे, फटाफट सफाई करेंगे फिर पीछे साइड की यार। आज बस यही काम है यार, अब तो फुर्सत है बिल्कुल, कोई काम है ही नहीं, बिल्कुल फ्री हो गए एकदम। पेपर भी दे दिए 12वीं के, सब काम कम्प्लीट हो गया है। बाकी हम जाएंगे परसों घूमने भोपाल, तो वहाँ पर तो लोग बनाऊँगा नहीं क्योंकि यार बहुत सारे लोग जाएंगे, इतनी चिल्ला चोट रहती है तो मतलब लोग बन ही नहीं पाएंगे वहाँ पर। पापा जी आ चुके हैं, चाय बना रहे हैं वहाँ पे, मंदिर से आ चुके हैं अभी। तो गाइस फिलहाल अभी बज रहे हैं शाम के 5 और सुबह से कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं इसलिए लोग बनाया नहीं था, पर अब बनाएंगे भले इंटरेस्टिंग देना चाहो नहीं रहे, हमको लोग पूरे करने हैं हमारे 700। तो अभी बहुत ही कम लोग पूरे हुए हैं, हमारे 100 भी लोग पूरे नहीं हुए हैं। तो फिलहाल फटाफट चल रहा है अपना काम सफाई वफाई वाला, सफाई कर रहे हैं अभी, चाय मंगवाएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद में देखेंगे जो भी होता है, मतलब क्या करते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं वैसे तो। फिर वो हाथ पे धोके अगरबत्ती लगाना रोज का देसी यही रूटीन रहता है हमारा, तो फटाफट अभी सब सफाई करते हैं, फिर चाय के साथ बढ़िया रोटी खाएंगे, फिर देखते हैं। तो अभी का देखा सब काम हो चुका है कम्प्लीट, दुकान से हो चुकी कम्प्लीट, हम निकलते हैं घर के लिए, 8 बजने वाली है।
लेट्स गो टू होम। तो गाइस फिलहाल अभी निकल चुके हैं दुकान से और आज का दिन काफी ऐसा ही गया यार, मतलब मन ही नहीं कर रहा था, क्या पता क्यों, क्या गर्मी का माहौल है ना, तो व्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और इधर उधर क्या होता, क्या गंदगी फेंकती है लोगों ने, जो एनिमल्स हमारे इधर साइड में ना डेड हो जाती है उनकी, वो यहीं पे पटक जाते हैं, तो भयंकर बदबू मार रहा है उधर। और फिलहाल चल रहे हैं अभी हम घर। आज मैं सुबह जैकेट लाना भूल गया था, ठंडी लग रही है, देखते हैं। और छाला टाइप हो गया यार, बहुत दिक्कत दे रहा है बोलने में। और सुबह से मतलब थोड़ा बहुत ही व्लॉग बना पाया हूँ, ज़्यादा व्लॉग ही नहीं बना पाया, क्या पता मूड ही ऐसा कर रहा था यार, तो बनाया नहीं व्लॉग, थोड़ा बहुत ही बनाया है। अब चाचा जी घर पे चलेंगे तो बना देंगे यार, कर देंगे 10 मिनट तक का तो पूरा। बाकी इधर नई फिफ्टी खुल गई है, थोड़ा बहुत ही नहीं है, और ठंडी लग रही है, खतरनाक ठंडी लग रही है, खतरनाक वाली। चलते हैं आपसे घर पे, घर पे चल के खाना वाना खाएंगे और बढ़िया अपने मस्त। ये सामने देखो धुआं निकल रहा है, कितना पॉल्यूशन फैल रहा है, ठंड लग रही है गाइस, खतरनाक तरीके से ठंड लग रही है हमको, इतनी खतरनाक ठंड लग रही है मेरे को तो, जब मैंने साड़ी पहन रखी है और आज तो कुछ भी नहीं पहन रखा है। गर्मी के मौसम में भी ठंडी पड़ रही है, क्या पता क्या हो रखा है। चलो चलते हैं, फिलहाल घर चल के मिलते हैं आपसे। तो गाइस फिलहाल अभी निकल चुके हैं दुकान से और आज का दिन काफी ऐसा ही गया यार, मतलब मन ही नहीं कर रहा था, क्या पता क्यों, क्या गर्मी का माहौल है ना, तो व्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और इधर उधर क्या होता, क्या गंदगी फेंकती है लोगों ने, जो एनिमल्स हमारे इधर साइड में ना डेड हो जाती है उनकी, वो यहीं पे पटक जाते हैं, तो भयंकर बदबू मार रहा है उधर। और फिलहाल चल रहे हैं अभी हम घर। आज मैं सुबह जैकेट लाना भूल गया था, ठंडी लग रही है, देखते हैं। और छाला टाइप हो गया यार, बहुत दिक्कत दे रहा है बोलने में। और सुबह से मतलब थोड़ा बहुत ही व्लॉग बना पाया हूँ, ज़्यादा व्लॉग ही नहीं बना पाया, क्या पता मूड ही ऐसा कर रहा था यार, तो बनाया नहीं व्लॉग, थोड़ा बहुत ही बनाया है। अब चाचा जी घर पे चलेंगे तो बना देंगे यार, कर देंगे 10 मिनट तक का तो पूरा। बाकी इधर नई फिफ्टी खुल गई है, अभी अभी खुली है, थोड़ा बहुत ही नहीं है, और ठंडी लग रही है, खतरनाक ठंडी लग रही है, खतरनाक वाली। चलते हैं आपसे घर पे, घर पे चल के खाना वाना खाएंगे और बढ़िया अपने मस्त। ये सामने देखो धुआं निकल रहा है, कितना पॉल्यूशन फैल रहा है, ठंड लग रही है गाइस, खतरनाक तरीके से ठंड लग रही है हमको, इतनी खतरनाक ठंड लग रही है मेरे को तो, जब मैंने साड़ी पहन रखी है और आज तो कुछ भी नहीं पहन रखा है। गर्मी के मौसम में भी ठंडी पड़ रही है, क्या पता क्या हो रखा है। चलो चलते हैं, फिलहाल घर चल के मिलते हैं आपसे। आपका भाई छगन ब्लॉगर रिटर्न आ चुका है व्लॉग लेकर चाचा जी के यहाँ पे, बहुत दिनों बाद हम व्लॉग शूट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह भूख लगने पर सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो भाई यहाँ पर हम पेड प्रमोशन कर रहे हैं हमारे चाची जी की दुकान का। कोई भी लेडीज सामान चाहिए, आप इंदौर दिल्ली भिल्ली सब जगह से आ सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं। कलर मेट का मिस्टर, कलर मेट खाना पीना वाला सामान, वेफर्स वेफर टोटल चीज, और इधर हम इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारी प्यारी बहना, जिसको हम प्यार से बोलते हैं बेंडी बहना। और इधर 10th एग्जाम से परेशान चल रहा है एक व्यक्ति, जो पूरी तरह से परेशान है, आखिरी पेपर देने के लिए परेशान। और इधर हमारे चाचा जी जिनका न्यू ढाबा स्टार्टअप होने वाला है, जिसपे हम जाएंगे, और यहाँ पर हमारे चाची जी बैठे हैं। तो बजी सुबह की 5, फिलहाल मैं उठ चुका हूँ और बाकी भी उठी हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। तो अभी फिलहाल ये व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आएगा, पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।